दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, उसके चेले हैं, तो ये चार चीज़ें आपको अपने जीवन से इमीडिएटली निकाल देनी चाहिए, आज ही छोड़ देनी चाहिए। उनमें से सबसे पहली चीज़ है गाली देना, कर्स करना। इफिसियों के 4:29 में लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। दूसरी बात जो हर विश्वासी को छोड़नी चाहिए, झूठ बोलना, वाइट लाइज, रेगुलर झूठ बोलते रहना और कहना कि बस ये तो छोटा सा झूठ था जी। नीति वचन 12:22 में लिखा कि झूठों से यहोवा को घृणा आती है, लाइंग लिप्स आर एन अबॉमिनेशन टू द लॉर्ड। तो दूसरी चीज, झूठ बोलना बंद। तीसरी बात, अवॉइड फूलिश कंपनी, लव एवरीवन, सबसे प्यार करो, बट ट्रस्ट ओनली अ फ्यू। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। और जब आप दोस्ती करते हैं तो आप बहुत कुछ शेयर करते हैं। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, नीति वचन में लिखा है, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। चौथी चीज जो हर विश्वासी को छोड़नी चाहिए वो है, स्टॉप कंज्यूमिंग बैड एंटरटेनमेंट, रॉन्ग एंड वल्गर स्टफ इंटरनेट के ऊपर, नेटफ्लिक्स पे और प्लेटफॉर्म पे जो गंदी मूवीज हैं, वीडियोज हैं। रोमन्स 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो मित्रों, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर विश्वासी को आज ही अपने जीवन से इन्हें निकाल देना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।